वॉर मेमोरियल विजिट करने के बाद यहाँ से टोलोलिन से अभी हम लेह की तरफ जा रहे हैं। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। दिस इज द थर्ड टाइम आई एम विजिटिंग कारगिल वॉर मेमोरियल। और रोड इज फाइन, क्लाइमेट इज ओके, एंजॉयिंग लद्दाख व्यू। देखो लद्दाख की खूबसूरती अगर एक्सपीरियंस करना है तो द बेस्ट वे इज़ कि आप रोड से आइए, बाय रोड। अभी मैंने एक्चुअली ये जो कश्मीर से रोड चूज़ किया है, आप जोजिला पास कवर करके, आप जैसे ही जोजिला पास कंप्लीट करते हैं वहाँ से जन्नत की शुरुआत होती है। एंड द रोड्स आर सो ब्यूटिफुल। आप आसपास में जितने भी सीनरीज वगैरह आप जो भी आप देख रहे हो ये बाय रोड ही दिखेगा। अगर आप फ्लाइट से आते हो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी। इनफैक्ट एक्लेमेटाइज भी नहीं होते, जो एक्लेमेटाइजेशन होना चाहिए 48 आवर्स का, जो आपका बॉडी हैबिचुएट होता है वहाँ के ऑक्सीजन लेवल से, वो फ्लाइट से नहीं होता। इसलिए काफ़ी मैंने देखा है कि जो फ्लाइट से आते और पैंगोंग की तरफ जाते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, या अक्यूट माउंटेन सिकनेस हो जाता है, उल्टी वगैरह, ऑक्सीजन की कमी, ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। बट बाय रोड से आप धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड गेन करते हो तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस पर हैबिचुएट होते जाते हैं, उसकी आदत पड़ दी जाती है। और ख़ास तौर यहाँ के जो नज़ारे, वाओ ब्यूटीफुल। अभी ये रास्ता जो है कारगिल गांव की तरफ जा रहा है। द्रास सेक्टर से कारगिल गांव की करीब मेरे ख्याल से अराउंड 40 किलोमीटर्स या 40-45 किलोमीटर्स यहाँ से गांव की शुरुआत होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल विलेज। यहाँ पे फ्यूल से पेट्रोल डीजल जो भी है आप यहाँ से भरवा सकते हो, और शॉपिंग वगैरह छोटा मोटा चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हो। और ये लेह की तरफ जाने के लिए ये कारगिल गांव बीच में आता ही है। और जैसे इसे पार करते हैं दो रास्ते हैं, या तो आप बाईपास से चले जाइए या आप कारगिल विलेज के थ्रू जाइए। मैं तो बोलूँगा कारगिल विलेज के थ्रू जाइए, क्योंकि आप आए हो तो बाईपास क्यों करना है भाई, ये कारगिल विलेज भी देख लीजिए। कारगिल से निकले अभी फातुला टॉप की तरफ पहुंचेंगे। लेह इज अराउंड 216 किलोमीटर्स अराउंड, पहुंचेंगे शाम तक। लेह 225। ये अपहिल व्यू है ऊपर की तरफ से, ये कारगिल गांव नीचे की तरफ, ब्यूटीफुल, इट्स लुक लाइक एन ओएसएस। ड्राइविंग इन लद्दाख वॉज अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज नॉट डेंजरस, आप डेंजरस नहीं बोल सकते हो, बट रोड बहुत बढ़िया था यहाँ। देख सकते हो।
ये लेफ्ट साइड में जितने भी पेड़ देख रहे हैं, दीज आर एप्रिकॉट के पेड़ है, प्लांटेशंस है। इनफैक्ट इसकी लकड़ियाँ भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं यहाँ के लोग, घर बनाने में या जो भी कंस्ट्रक्टिव मटेरियल होता है ये लकड़े का ही इस्तेमाल होता है। दिस इज़ लामायुरु गांव विलेज, यहाँ पे फ्यूचर बुद्धा टेम्पल है, तो यहाँ पे विजिट करना तो बनता ही है भाई। इट्स क्वाइट अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। ये रास्ते में ही पड़ता है, इसके दर्शन लिए हमने। एंड दैट्स अ प्रेयर व्हील, यहाँ पे जो भी मंत्र, तिब्बतन भाषा में मंत्र लिखा होता है, आप जैसे इसे रोटेट करते हो तो इट गोज इन द यूनिवर्स एंड इट कम्स बैक टू यू। सो एंड एवरी वन वॉज वेरी कीन टू रोटेट, इसको घुमाना बहुत शुभ माना जाता है। इसमें टिबेटन भाषा में जो भी मंत्रास लिखे होते हैं, इट गोज बैक टू द यूनिवर्स एंड कम्स बैक टू यू, इट्स साइन ऑफ गुड लक। आप प्रे करते हो, दिस इज हाउ द टिबेटन्स प्रे। अरे जिया, अरे जिया रे, जिया रे, जिया रे, जिया रे, इतने जोर से मत घूमा इस व्हील को रे। ये जिया चलना बसना। अरे कितना घुमा रही है बस। द व्यू इज अमेजिंग, अमेजिंग एंड सो पीसफुल। काफ़ी हवा चल रही थी, ठंड थी, और फिर निकल पड़े फिर से राह पर ले की तरफ। शूट करना आप यहाँ पे रूट पे बंद ही नहीं कर सकते हो, आप कंटिन्यू। इतने ब्यूटीफुल माउंटेन्स दिखते हैं रास्ते में कि द रोड इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ मेंटेन बाय द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है रोड्स को। एंड ड्राइविंग इज़ अ प्लेजर इन ऑन दीज रोड्स। और जो आप माउंटेन से कलर्स देख रहे हैं डिफरेंट, ये देखने लायक है। कुदरत ने इज एक्चुअली एन आर्टिस्ट, मतलब फुर्सत से एकदम पेंट ऑफ ब्रश, आई डोंट नो व्हाट एवर उन्होंने यूज़ किया है, बट अमेजिंग, अमेजिंग माउंटेन्स के डिफरेंट कलर्स देखने जैसे होते हैं, विच अलग अलग। कोई ऐसा नहीं है कि आप डिस्टिंक्टिव एक कलर देख रहे हो, कोई ब्राउन है, कोई बस सुनो, ये फातुला टॉप है, इट इज अराउंड 13,479 फीट। ये लेह श्रीनगर में सबसे ऊंचाई पर है ये पास, इट्स कॉल्ड फातुला टॉप। ठंड और मजा आ गया। 2012-2018 यहाँ पे फोटो नहीं बनते, कपल्स आके यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। गांव देख रहे हैं आप, इट्स लामायुरु गांव, व्हाइट कलर का दिखता होगा, दैट इज द मोनास्ट्री। प्यारा लग रहा है, एग्जैक्टली सारे माउंटेन्स के बीचों बीच। अभी लामायुरु गांव से जस्ट क्रॉस किया, आपको केक खाना है? केक मैं सोचा आपको मस्त एकदम डबल लेयर केक खिलाता हूँ, अच्छा लगा ना सुन के नाम। चेक दिस,
ब्यूटीफुल। ऐसा कैसा हो मेरे पहाड़ी आधा अधूरा ये। क्या देख रहे हो आप? Beautiful, isn't it? It's called the moon land. ये देख रहा था मैं। आप ये माउंटेन के कलर्स देखे, डुअल कलर्स देखे कभी? नीचे एब्सोल्यूट लाइट ब्राउन, ब्राउनिश क्रिवाइसेस देखिए, एंड द रोड्स, माय गॉड आई लव ड्राइविंग ओवर हियर, ब्यूटीफुल। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे आप फोटो खिंचाने को दिल नहीं करेगा, यू नो, आप वीडियोस कंटिन्यू, आपका कैमरा चलते रहना चाहिए, क्योंकि आप यू कैन नॉट मिस एनीथिंग आउट ऑफ हियर, यू नो। और यहाँ पे खूबसूरती बिखेरी हुई है एवरीवेयर। वाओ, लुक एट दिस माउंटेन्स, वाओ ब्यूटीफुल। आसमान दिखेगा ही नहीं। The zigzag roads. The crevices, the sharp edges. Colors देखो यार, colors देखो, आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने colors दिखेंगे आप। And जो जोजिला पास कश्मीर से लेकर ले तक का जो डिस्टेंस है अराउंड मेरे ख्याल से वो 200-284 किलोमीटर से मोर देन दैट, इट्स अ ब्लेस, इट्स एब्सोल्युटली अ ब्लेस। ड्राइविंग ओवर हियर इज ऑसम, मजा आ जाता है इसमें। कुछ पैचेस खराब है, बट दैट्स फाइन, इट्स कॉल्ड द धड़धड़ ब्रिज, क्योंकि जैसे आप इस ब्रिज से गुजरते हो ये धड़धड़ की आवाज ही आती है। एंड दैट्स अ रिवर फ्लोइंग। ये आगे जाके की तरफ है ना, जरा हॉल्ट किया था हमने यहाँ पर, तो ये आगे जाके गायब हो जाती है पहाड़ों के बीच। विल बी एबल टू सी आगे की तरफ जैसे जाते हैं। रोड्स आर ऑसम, माउंटेन्स एवरीवेयर यू सी देम, ह्यूज माउंटेन्स जैसे पूछते बेटा तेरी औकात क्या है। लग रहा है ये रिवर फ्लो ओके, ये जो क्रिवाइस दिख रहा है ना यहाँ पे रिवर गायब हो रही है पहाड़ों के बीचों बीच। और इस साइड में जो दिख रहा है ये कनाल है, एक्चुअली ये बनाया गया मैनमेड ताकि पानी जो है गांव की तरफ मोड़ा जा सके। दे यूटिलाइज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉट एवर पर्पसेस दे हैव। यहाँ पे रुक के वीडियो तो बनता है भाई। ये बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते हैं लेह के रूट में। ले यहाँ से अभी 97 किलोमीटर्स अभी भी बचा है, पहुँच रहे धीरे धीरे। इट्स अराउंड 97 किलोमीटर्स। द व्यू इज़
ऑसम। बीच में कभी मोटा होम का फायदा क्या, अभी जैसे गाड़ी अच्छे से वहाँ पे पार्क वगैरह करके चाय वगैरह कॉफ़ी वॉट एवर इट इज़ आप बना लेते हैं, फिर आगे निकलते हैं। और ये पूरे रूट में हमने लद्दाख में ही इनफैक्ट कहीं शायद ही बाहर खाना खाया होगा, और बाकी सारे रिसोर्सेज जो फूड ग्रेन्स वगैरह है या जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें हमने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, तो कहीं ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड वैसे भी आप कुछ भी सामान लेह में या लद्दाख में ख़रीदते हैं तो इट इज़ पुट मोर ऑफ एन एक्सपेंसिव अफेयर। द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है और वहाँ तक चीज़ें पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। पहले से तो बेटर हो गया, बट बेटर कि आप वो सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें आप कैरी कर लो। तो मोटा होम का मुझे एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला कि मैं एनी वे आई कैन पार्क ओवर देयर और चाय नाश्ता कॉफ़ी वॉट एवर इट इज़ बना के इज़ टू एन्जॉय इट। ट्रैफिक ना के बराबर ही था, थोड़े इक्का दुक्के गाड़ियाँ दिख रही थी। और धीरे धीरे हम अभी लेह की तरफ बढ़ ही रहे थे। दैट इज़ अभी लेह के पहले गांव आएगा निम्मू, सो वी आर एंटरिंग दैट। निम्मू के बाद लेह इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52 किलोमीटर्स। छोटा सा गांव है, मोनास्ट्रीज है, यहाँ पे लोग रहते हैं। आप यहाँ पे ज़्यादातर टिबेटन कल्चर या उनके जो घर है एक जैसे ही दिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव वर्क जो भी होता है इनका सिंपल होता है बट अंदर से बहुत खूबसूरत बनाते हैं घर। और यहाँ लोकलाइट्स वगैरह आपको विश करना है, जैसे हम मुंबई में हैं तो नमस्ते, कसा काय, कसे आहात, तो यहाँ पे इनका एक लोकल लैंग्वेज है, वी विश देम जुले, नॉट जुलाई, इट्स जुले। किसी को भी जैसे देखते हैं तो वी ग्रीट देम जुले जुले, तो आपको रिप्लाई बैक करते हैं, द गिव अ स्माइल, यू नो द पीपल आर क्वाइट वार्म हेल्पफुल और बहुत अच्छे लोग हैं लद्दाख, काफ़ी हेल्पफुल है। आप कहीं पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, कहीं रास्ता भटक गए या कुछ चीज़ें चाहिए तो आपको बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। ले जा रहे हैं ले को, अभी कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ 300 भी नहीं, 300 किलोमीटर थे हम माउंटेन्स में घूम रहे थे, ये राइडर्स। तो अभी है ले को 70 किलोमीटर, अब हम ले पहुँचेंगे, उधर मार्केट वगैरह है, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, ले में ही सोएंगे गाड़ी में, और फिर सुबह पैंगोंग, अभी रास्ते में ये मैडम को लिफ्ट दे दिया, शी वॉज क्वाइट डेस्परेट कि भाई उनको ले जाना है। बोले ठीक है आप बैठ जाओ, बैठेगा ऊपर बैठे, भाई इंस्टा का चक्कर है, भाई इंस्टा में वीडियो डालना है। हाँ नाच तो रहे बराबर, हाँ हाय हेलो यस बेटर, बढ़िया वीडियो है। आप उतरोगे कैसे, चढ़ तो गए यार। आओ आओ नीचे आओ, क्या हुआ भाई नहीं उतर सकते क्या? आखिर उतर गई और गाड़ी में बैठ गए, चलो ले की तरफ।